हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बोया बाय M1 की, जिसे मैंने परचेज किया था अमेजोन से और मुझे कितने रुपए पे मिला था और यह माइक कैसा है सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और अभी लास्ट में मैं इसका वॉइस क्वालिटी भी टेस्ट कराने वाला हूँ, वॉइस अच्छा है या फिर नहीं। अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं ये हमारा ईयरफोन से है, इसके बाद मैं माइक की आवाज़ भी आपको सुनाऊँगा। तो चलिए गाइज, ये हमारा बॉक्स कुछ इस तरीके से मिला था अमेजोन से। इसके बाद इसको ओपन करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे ये बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो हमारा जो माइक है फाइनली इसी के अंदर है। तो गाइज यहाँ पे चलिए, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे इसकी क्वालिटी के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए गाइज, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और गाइज मैंने इसको 2-3 दिन अभी यूज़ किया है, इसके बाद ही मैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, जिस कारण से यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि ये हमारा अभी फट चुका है। तो यहाँ से ये हमारा इस तरीके से ओपन होगा, इसके बाद ये हमारा इस तरीके से एक यहाँ पे ये बॉक्स मिल जाएगा। तो जो माइक है इसी के अंदर है, तो इसको भी साइड में रख देते हैं यहाँ पे। अभी आप इसको देख सकते हैं कि यूज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस इसमें आपको मिल जाएंगी, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बेसिकली कोई पढ़ता नहीं है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल लगाया जाता है और किस तरीके से यूज किया जाता है। इसको हम यहाँ साइड में रख देते हैं, इसके बाद देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें मिलता है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा सर्टिफिकेट एक मिल जाता है, इसको अगर हम रिटर्न ना करना चाहें तो वारंटी कार्ड कह सकते हैं। तो इसको यहाँ पे साइड में रख देते हैं, इसके बाद ये हमारा एक जो है ये बॉक्स मिल जाता है, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि ये हमारा एक जैक है, जो अगर आप कहीं पे भी लगाना चाहते हैं, अगर वो वाली पिन सपोर्ट नहीं करती है तो आप इससे लगा सकते हैं। तो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं, इसके बाद इसमें अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसमें तीन चीज़ें मिल जाएंगी। पहला ये है हमारा सेल, और ये दूसरा जो है ये हमको कॉलर में कहीं पर भी लगाना है तो इस तरीके से लगा सकते हैं। और ये हमारा जो है वॉइस जो है जो अच्छे से दे, हमारा जो हवा चलती है तो उसको जो है यहाँ पे ये रोकता है। इसके बाद यहाँ पे इसको हम यहाँ से माइक ओपन कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ये माइक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका वायर जो है वो काफ़ी लंबा है, और यहाँ पे ये है हमारी माइक। ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा यहाँ पे, और ये जो हमारा यहाँ पे इसको यहाँ पे आपको इसको बड़ी ही सावधानी से यहाँ पे लगाना पड़ता है इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लग के हमारा फिट हो चुका है। इस तरीके से आप कहीं पर भी कॉलर में या फिर कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके बाद गाइज यहाँ पे जो सेल मिल जाता है, आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ से खोलना है। जैसे ही इसको यहाँ पे ओपन कर लोगे, इसके बाद ये जो सेल है आपका, इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको लगा देना है। लगाने के बाद इसको वापस से इस तरीके से बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसको यहाँ पे, और गज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। इसको बंद करने के बाद इसको आपको यहाँ पे ऑन करने के लिए इसको यहाँ पे आपको नीचे कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन के लिए इसको आपको यहाँ पे नीचे करना है। और गज बहुत से लोगों की समस्या ये होती है कि बोया माइक जो है वो उनका कनेक्ट नहीं होता है, तो बोया माइक हमेशा जो है वो ओपन कैमरा को सपोर्ट करता है। इस पे मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो आपको 1-2 दिन में इस पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए इसकी हम वॉइस क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये मेरी बोया बाय M1 माइक की है, जिसे मैंने परचेज किया था अमेजोन से। ये मुझे 800 रुपये की मिली थी। गाइज अगर आप भी बोया बाय M1 माइक ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे ही आपको परफेक्ट प्राइस में मिल जाए तो आपको इसको परचेज कर लेना चाहिए। और गाइज ये माइक बहुत ही अच्छा होता है। अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं ये हमारी बोया बाय M1 माइक की है। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी कर ले। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।